उर्मिल जी, मैं जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य हो या आयु हो, इन सभी चुनौतियों को का सामना करते हुए भी आपने अपनी रचनाशीलता जारी रखी। आप स्वयं इस विषय में आत्मकथ्य के रूप में संक्षेप में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि रचनाशीलता ने ही मुझे और भी स्वस्थ किया है। स्वास्थ्य बेशक बिगड़ता है कई हमारी भूलों के कारण, हमारी लापरवाही के कारण, कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन रचनाशीलता हमें एक किस्म का मेडिटेशन देती है। मैंने तो ये अनुभव किया कि अपना ध्यान हमारा उधर चला जाता है। अगर मैं कविता लिख रही हूँ या कोई किताब लिख रही हूँ या दूसरों की किताबें लेकर या कविताएं लेकर देख रही हूँ, उनको पढ़ रही हूँ, तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य कहाँ है या मेरी एज कहाँ है। मैं तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा से भर जाती हूँ दूसरों की रचनाएं देख के, दूसरों की रचनाएं सुन के, या किसी को अगर मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे रही हूँ या देख रही हूँ और खुद भी अंदर से निकलता है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि दवाइयों के साथ साथ ये एक मेडिटेटिव तरीका है कि जो मैं रचनाशीलता में लग जाऊँ, ये हमें सबसे ज़्यादा दवा का सा असर करती है और उसने किया है, मुझे और स्वास्थ्य प्रदान किया है। मैं सोच ही नहीं पाती कि मैं इतनी बड़ी उम्र की हो गई हूँ। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो पूरी ऊर्जा से मैं काम कर रही होती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरा को लू सजा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरा को लू सजा, बाद इसके ही मैं गहरी नींद सोना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि काम अगर हमें कुछ ये क्रिएटिविटी मिली है, ये ईश्वर की देन है, नेचर की गिफ्ट है, उसको मुझे उसका फायदा उठाना है। और मैं आपके साथ मिलके अपनी क्रिएटिविटी से अगर कुछ फायदा कर सकती हूँ।